नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और दिल से स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल पर। ये आशा करती हूं, ये दुआ करती हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। वेल, आज का वीडियो हाली रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पूजा फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, तो फेस्टिव सीजन के लिए कोई स्किन वाइटनिंग फेशियल हमारे साथ शेयर करो। सो हेयर आई एम विद अनदर फेशियल वीडियो और मैं कहूँगी कि इस फेशियल के साथ मैं अपनी सीरीज में एक बहुत बड़ा वाला स्टार ऐड करने वाली हूं, बिकॉज इस फेशियल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं और वो भी बिना किसी लागत के, बिना किसी खर्चे के। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना है एंड योर फेस विल ग्लो लाइक ग्लास। रियली बहुत बहुत प्यारे रिजल्ट्स हैं इसके। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, 100% नहीं 1000% भरोसा है मुझे इस फेशियल पर। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपने रिजल्ट्स आपने ज़रूर मेरे साथ शेयर करने हैं। फेस्टिव सीजन शुरू होने तक, करवा चौथ तक, दिवाली तक, एवरी वीक ये आप फेशियल करते रहिए, गोल्डन ग्लो आपके फेस पर आने वाला है और ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बताती हूँ फेशियल कैसे करना है, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स आपको यूज़ करने हैं। वेल, सबसे पहले हम करेंगे क्लेंजिंग, जो कि हर फेशियल का फर्स्ट स्टेप होता है। क्लेंजिंग के लिए रॉ मिल्क मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ, कच्चा दूध आपको लेना है। कच्चा दूध नहीं है, बॉइल्ड मिल्क फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाए, जब वो चिल्ड हो जाए तो आप इसे यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा दूध लेंगे, उसमें कॉटन बॉल डिप करेंगे और अपने फेस को इस कॉटन बॉल से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। आपकी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाएंगी और आपकी स्किन फेशियल के लिए तैयार हो जाएगी। फेशियल का सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग। इस फेशियल का जो स्टार इंग्रेडिएंट है ना, वो है बनाना, यानी कि केला। बता दूं, केले में नेचुरल गोल्ड होता है और ये गोल्ड आपकी स्किन के अंदर जाकर के गोल्डन ग्लो लाता है। केले में होता है AHA अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जो कि आपकी स्किन के दाग धब्बों को दूर करके स्किन को यूथफुल बनाते हैं। केले में होता है पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन के, जो कि आपकी स्किन से रिंकल्स, झुर्रियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हर मौसम में मिलने वाला फ्रूट है ये, इसलिए ये फेशियल आप कभी भी कर सकते हो और सबसे सस्ता फ्रूट है ये, ठीक है जी। आपको लेना है एक केला। केले के पील में केले से भी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, AHA सबसे ज़्यादा होते हैं केले के पील में। तो यहाँ हम स्क्रबिंग के लिए केले का पील यूज़ करने वाले हैं। आपको क्या करना है, केले को पील को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और स्क्रब के लिए हम बेस तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच चीनी। चीनी को आप हल्का पीस लीजिएगा और उसमें आप ऐड करेंगे 1/2 चम्मच कोको पाउडर या फिर 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करती हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं करती आपकी स्किन को, लेकिन आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करती हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को दूर करती हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट आपने डालना है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और ये जो केले के छिलके के पीसेस हमने काट के रखे हुए थे, थोड़ा थोड़ा सब पीसेस पर हमने लगा देना है। और केले के छिलके से ही हम स्क्रब करने वाले हैं अपने फेस पर, कमाल के रिजल्ट मिलते हैं। स्क्रब को करके ना, मतलब आपको लगेगा कि आपने पार्लर में जाकर के बहुत ही अच्छा सा कोई एक्सफोलिएशन या स्किन पॉलिशिंग ट्रीटमेंट कराया है। सीरियसली, इस एक्सफोलिएशन के बाद ही आपको आधे से ज़्यादा रिजल्ट फेशियल के मिलने वाले हैं, सेकेंड स्टेप पर ही मिलने वाले हैं। आप क्या करोगे, इस तरह से अपने फेस पर केले के छिलके से रब करोगे और ये प्रोसेस आपको करना है 5 to 7 मिनट्स के लिए। अच्छे से सर्कुलर मोशन में केले के छिलके तब तक घुमाएंगे अपने फेस पर जब तक कि इनका कचुंबर नहीं निकल जाता है। पूरा आपकी स्किन इससे एक्सफोलिएट होने वाली है, सारी डेड लेयर निकलने वाली है और नई स्किन नीचे से निकल के आने वाली है। स्किन बहुत फ्रेश होने वाली है इसके बाद। तो 5 to 7 मिनट इस तरीके से केले के छिलके पर हमने जो चीनी, कोको पाउडर और ऑलिव ऑयल का मिक्सचर लगाया था उसे स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के बाद आप अपने फेस को पानी से धो लेंगे एंड यू कैन सी द रिजल्ट योर सेल्फ ऑन माई फेस। देख सकते हो स्किन किस तरीके से शाइन कर रही है, बहुत सॉफ्ट फील हो रही है और साथ ही साथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है, बिकॉज इसमें हमने ऑयल मिक्स किया था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है स्क्रब का। स्क्रब करने के बाद हम फेस क्रीम से मसाज करेंगे। तो फेस क्रीम कैसे बनाएंगे जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए मैंने ये केला लिया है, केले को बारीक टुकड़ों में काट करके मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स जो मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ वो है खजूर या डेट्स। खजूर एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना होती है, स्किन पर झुर्रियों को रोकने में और स्किन का ग्लो बढ़ाने में खजूर का जवाब ही नहीं है। तो 2 खजूर मैंने डीसीड कर लिए हैं यहाँ पर, वो मैं ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हनी, 1 चम्मच हनी ऐड
ऐड कर रही हूँ और इसके बाद 2 चम्मच दही आप ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से आपने घुमा लेना है और ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सिल्की सी क्रीम बन करके तैयार है। इसे मसाज करने का अपना ही मज़ा है, वैसे इसे खा भी सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी है ये। और मसाज करोगे तो स्किन बहुत ग्लो करने वाली है, लाइटें मारने वाली है। ये जो क्रीम बनाई है हमने, आधी क्रीम हम यूज करेंगे फेस मसाज के लिए और आधा पार्ट इसका रख लेंगे। इसमें एक और चीज मिला करके हम फेस पैक तैयार करेंगे। तो ये हाफ मैंने ले ली है, फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सर्कुलर मोशन से मसाज करनी शुरू करेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करेंगे। प्रेशर पॉइंट्स आई ऑलवेज टेल यू वो आपने दबा लेने हैं। पिंचिंग, टैपिंग सब कर लेनी है फेस की, जो हर फेशियल में आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से मसाज की आपने 7 मिनट्स के लिए इस क्रीम से। क्रीम ऑलमोस्ट आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी। इसके बाद आपको पानी से फेस को नहीं धोना है, इसके ऊपर ही आप पैक लगाएंगे। पैक के लिए जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये हमने क्रीम का थोड़ा सा पार्ट बचा करके रखा हुआ था, इसी में ही हम डाल रहे हैं 1 चम्मच गेहूँ का आटा। या आप चावल का आटा भी डाल सकते हो या आप बेसन भी डाल सकते हो। गेहूं के आटे में होता है अल्फा आर्बुटिन, जो कि आपके स्किन की डलनेस को दूर करके स्किन पर एक बहुत ही प्यारे वाला ग्लो देता है। या आप अपने फेस पर इसे अप्लाई कर लीजिए। 15 मिनट के लिए इस पैक को लगा करके रखिएगा और उसके बाद आप हाथों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए और गीला करके फिर से मसाज कीजिए अपने फेस पर, ताकि आपका ये जो पैक है थोड़ा सा लूजन अप हो जाए। और उसके बाद आप अपने फेस को जब धोएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे फेस का ग्लो देखकर, और आपकी स्किन लाइट हो जाएगी। 1 से 2 टोन का तो फर्क पड़ता ही पड़ता है फर्स्ट टाइम में ही इससे, और आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी आपको, आपकी स्किन टाइट फील होगी आपको। बहुत ही अच्छा फेशियल है, आप देख सकते हो मेरे फेस का ग्लो, कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं फर्स्ट टाइम के यूज से ही। तो एवरी वीक इसे करना शुरू कर दीजिए एंड यू विल सी कि आपको पार्लर सैलून नहीं जाना पड़ेगा इस फेस्टिव सीजन में, ये फेशियल इतना कमाल का है, राइट? तो इसे कीजिएगा, रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि पूजा, जब हम कोई भी ट्रीटमेंट फेस पर देते हैं उस टाइम तो अच्छा ग्लो आता है, लेकिन वो ग्लो कुछ ही टाइम में डलनेस में बदल जाता है, तो क्या करें? तो मैं आपसे कहूँगी कि वीकली या 15 डेज में एक बार ये जो ट्रीटमेंट्स आप करते हैं उसके साथ साथ डेली बेसिस पर भी अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करें डेली बेसिस पर और उसकी टोनिंग करें और अच्छा सिरम, अच्छा मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करें। स्पेशली अगर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा डल पड़ गई है और दाग धब्बे बहुत बहुत चमकने लगे हैं, देन आई विल सजेस्ट यू कि आप ग्लूटाथायोन बेस्ड सिरम यूज़ करें, बिकॉज ग्लूटाथायोन इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी स्किन के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करके आपकी स्किन को लाइटन करता है। साथ ही साथ ये एजिंग के साइंस को भी डिले करता है। एंड ग्लूटाथियॉन सिरम जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है द डर्माकोका 2% ग्लूटाथियॉन फेस सिरम। दिस इज़ फॉर स्किन इल्यूमिनेशन, स्किन की ग्लो को बढ़ाता है ये। आपको अलग से हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही प्यारा ग्लो देता है ये आपकी स्किन को। और इसमें ग्लूटाथायोन तो है ही, साथ ही साथ इसमें है ट्रैनेक्सामिक एसिड। ट्रैनेक्सामिक एसिड आपके दाग धब्बों को रिड्यूस करता है, लाइटन करता चला जाता है और साथ ही साथ एजिंग साइंस को भी डिले करता है। डार्क स्पॉट्स होती जा रहे हैं, पिगमेंटेशन होती जा रही है, तो उसको रिड्यूस करेगा ट्रैनेक्सामिक एसिड। इसे आप अपने डे और नाइट के स्किन केयर रेजिम में ज़रूर ज़रूर शामिल करें। बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ये, विद इन 7 to 10 days आपकी स्किन का ग्लो भी बढ़ेगा, डलनेस भी दूर होगी और दाग धब्बे भी लाइटन होते जाएंगे। ग्लूटाथियॉन के बारे में पहले भी मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है, ग्लूटाथियॉन को मास्टर एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है और ये एक मल्टीटास्किंग इंग्रेडिएंट है। आपकी स्किन के ब्लेमिशेस को भी लाइटन करता है, आपकी स्किन के ग्लो को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करके आपकी स्किन की एजिंग को भी डिले करता है। अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद द डर्माको 2% ग्लूटाथियॉन फेस सीरम 2 से 3 ड्रॉप्स अपने हाथ में लीजिए, ड्रॉपर से इस तरह से अपने हाथ में लीजिए और उसके बाद आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। मसाज कीजिए अपनी स्किन पर जब तक कि ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। 1 वीक इसे यूज़ करके देखिए, आपकी स्किन लाइटें मारेगी, रियली ग्लो इतना बढ़ जाने वाला है कि सब पूछने वाले हैं कि आपने क्या किया है। एक
प्रो टिप मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, आपने अच्छे से अच्छा क्लेंजर यूज़ किया, टोनर यूज़ किया, मॉइस्चराइजर सीरम यूज़ किया, लेकिन अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं आपने जो पहले के 4 स्टेप्स किए उनका इफेक्ट निगेट हो जाएगा। इसलिए गुड क्वालिटी का सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, चाहे आप घर में हों चाहे बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन डेली अप्लाई ज़रूर करें, नहीं तो आपकी स्किन केयर पर की गई सारी मेहनत खराब होने वाली है। वेल, एज आई ऑलवेज टेल यू कि ट्रीटमेंट अंदर और बाहर दोनों से होना चाहिए, तभी उसका बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो ग्लूटाथियोन सीरम के इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं द डर्माकोकी 500 mg ग्लूटाथियोन एफरविसेंट टेबलेट्स। ये टेबलेट्स आपकी स्किन को इल्यूमिनेट करेंगी। बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है ये और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। इसके अंदर ग्लूटाथियोन तो है ही साथ इसमें है हयालुरोनिक एसिड। हयालुरोनिक एसिड आपकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करता है और जब आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहती है, हाइड्रेटेड रहती है, तो फिर एजिंग साइंस, रिंकल्स, झुर्रियाँ आपकी स्किन को छू भी नहीं पाती है। और साथ ही साथ इसमें है विटामिन सी। विटामिन सी आपके रंग को भी निखारता है और आपकी स्किन को बेदाग बनाता है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दिस इज शुगर फ्री फॉर्मूला एंड ये पाइनएप्पल फ्लेवर में है। आपको क्या करना है, एक ग्लास ठंडा पानी लेना है और उसमें एक ये एफरविसेंट टैबलेट आपने डाल देनी है। वेट करना है जब तक कि ये टैबलेट डिजॉल्व नहीं हो जाती है। इसे डिजॉल्व होते देखना अपने आप में ही एक फन टास्क है। एक बॉटल में 20 टैबलेट्स है और एक टैबलेट आपको डेली लेनी है। Why I like Dermaco? Because Dermaco के सभी प्रोडक्ट्स साइंस बेस्ड इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके तैयार किए गए हैं एंड सभी प्रोडक्ट्स सेफ हैं, इफ़ेक्टिव हैं, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। और Dermaco के सभी प्रोडक्ट्स पर आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज साफ साफ दिख जाती है पैकेजिंग पर ही। सो 100% ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट ब्रांड है ये, इसीलिए Dermaco के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद हैं। एंड द Dermaco बिलीव्स इन अ लाइफ विदाउट फिल्टर्स, लव द स्किन यू आर बॉर्न इन। वेल, द Dermaco 2% ग्लूटाथियोन फेस सीरम और एफरविसेंट टेबलेट्स आपको मिल जाएंगी नायका पर, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर और द Dermaco की वेबसाइट पर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। इन लिंक्स पर क्लिक करके आप इन्हें अपने लिए खरीद सकते हैं और अपनी स्किन को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को अगर आप द Dermaco की वेबसाइट से खरीदते हैं तो आपको मिल सकता है 20% डिस्काउंट। कूपन कोड है पूजा20। कूपन कोड मैंने स्क्रीन पर भी मेंशन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ज़रूर आपको दे दूंगी। तो स्किन के ग्लो को बढ़ाने के लिए, स्किन को इल्यूमिनेट करने के लिए और कॉम्प्लेक्शन को संवारने और निखारने के लिए यूज़ कीजिए ये दोनों प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ ये फेशियल एवरी वीक आप ज़रूर कीजिए। 1 वीक में ही आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब नतीजे मिलने वाले हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियां बांटिएगा। बाय बाय।